A very good morning to students. Today we will do a chapter and the name of chapter is Lost Spring. As you seen in the on the screen also, chapter ka naam hai Lost Spring, which is written by Anis Jung. Lost Spring, which is written by Anis Jung. Okay. चैप्टर लिखा किसने है? एनिस जंग ने लिखा है. एंड द कंप्लीट नेम ऑफ दिस वन चैप्टर इज स्टोरीज ऑफ स्टॉलन चाइल्डहुड. सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करवाने से पहले हम इसी चैप्टर के लेसन के टाइटल के बारे में ही थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगी आप सब स्टूडेंट्स के साथ में. सबसे पहली बात तो बेटा ये है, एक्चुअल में एनिस जंग ने ये एक बुक लिखी थी लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड. उसमें से एक शॉर्ट पार्ट लिया गया, एक एक्सेप्ट लिया गया और उन एक्सेप्ट को हम स्टडी करेंगे. और एक्चुअल में इस लेसन के दो पार्ट हैं, दो हिस्से हैं. और जो फर्स्ट वन पार्ट है, दोनों ही पार्ट में बच्चों की लाइफ या चाइल्ड लेबर के बारे में यहाँ पर मेंशन किया जाएगा. आप सब स्टूडेंट्स दोबारा से सुन लीजिए एक बार. एनिस जंग ने एक बुक लिखी लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड. उसमें से कुछ शॉर्ट पार्ट जो है हमें स्क्रीन पर शो होगा और उसको हम स्टडी करेंगे. उसके अंदर जो मेन पॉइंट हाईलाइट किया गया है, जो मेन बात जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, वो चैप्टर में जो हम मेन बात पढ़ेंगे वो किसके बारे में है? चाइल्ड लेबर के बारे में, बाल मजदूरी के बारे में है, ठीक है? या यू कहें इसके अंदर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन के बारे में को हाईलाइट ज़्यादा किया गया है. कंप्लीट जो चैप्टर है वो किसके लिए है? बच्चों का जो शोषण होता है, बच्चों के उनके एजुकेशन के राइट से उन्हें डिप्राइव किया जाता है, उसको यहाँ पर मेंशन किया जाएगा, ठीक है? तो यहाँ की जो थीम है वो किसके बारे में है? पावर्टी स्ट्रिकन चिल्ड्रन है, जो गरीबी के इर्द गिर्द, जो गरीबी से घिरे हुए हैं, ऐसे बच्चों की लाइफ के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे. जो चाइल्ड लेबर से परेशान, मतलब एक्सप्लॉयटेड हो चुके हैं, वो यहाँ पर मेंशन किया गया है, ठीक है? जैसे कि आप स्क्रीन पर देख भी रहे हैं, स्क्रीन पर यहाँ पर शो भी हुआ है. सबसे पहले मैं एनिस जंग के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर आपको बता देती हूँ. एनिस जंग वॉज बॉर्न इन राउरकेला एंड स्पेंट हर चाइल्डहुड एंड एडोलोसेंस. एडोलोसेंस होता है यंग टाइम, कि उन्होंने पैदा तो वो हुई थी राउरकेला में और उन्होंने अपनी जो यंग टाइम और जो बचपन बिताया था वो कहाँ बिताया था? हैदराबाद में. शी रिसीव्ड हर एजुकेशन इन हैदराबाद एंड इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. उन्होंने हैदराबाद से भी अपनी स्टडी गेन की थी और यूएसए से भी स्टडी ली थी. हर पेरेंट्स वर बोथ राइटर्स, उनके जो माता पिता थे वो दोनों ही लेखक थे. एनिस जंग बिगन हर करियर एज अ राइटर इन इंडिया. शी हैज बीन एन एडिटर एंड कॉलमनिस्ट फॉर मेजर न्यूज़पेपर इन इंडिया एंड अब्रॉड. उन्होंने जो अपना करियर स्टार्ट किया था, एनिस जंग ने एज अ राइटर स्टार्ट किया था, जैसे कि उनके पेरेंट्स भी राइटर रहे थे, इन द सेम वे शी ऑल्सो स्टार्टेड हर करियर एज अ राइटर. द फॉलोइंग इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम हर बुक टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड. ये बात मैं पहले बता चुकी हूँ. एक्सर्प्ट क्या होता है? एक शॉर्ट पार्ट जो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे वो शॉर्ट पार्ट है एक किताब का. एक्सर्प्ट क्या होता है? शॉर्ट पार्ट कि कहाँ से लिया गया है? उनकी एक किताब है, किताब का नाम है लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड. जैसे कि मैंने पहले ही ये बात आप सब स्टूडेंट्स को बता भी दी है कि ये एक छोटा सा हिस्सा है जिसको हम स्टडी करेंगे. और बुक का नाम क्या है जहाँ से ये लिया गया है पार्ट? लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड. हेयर शी एनालिसिस द ग्राइंडिंग पावर्टी. यहाँ पर वो किसके बारे में बता रही है? गरीबी के बारे में बता रही है, ग्राइंडिंग पावर्टी. और ट्रेडिशंस बता रही है विच कंडेम दीज चिल्ड्रन टू अ लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन. जो क्या कर रहे हैं इन बच्चों की जिंदगी में, लगातार उनके साथ गलत हो रहा है, शोषण हो रहा है, ठीक है? इस चीज़ को यहाँ पर मैंशन किया गया है.
अब मैंने यहाँ पर आपको थीम यहाँ पर मेंशन कर दी कि थीम क्या है, पावर्टी की थीम है, चाइल्ड लेबर की थीम है, या बच्चों के साथ एक्सप्लॉयटेशन हुआ है उसकी थीम है, क्लियर। अब आता है इसकी टाइटल की बात, टाइटल के बारे में भी हम आपको बता देते हैं। जैसे कि आप टाइटल सुन ही रहे हो बेटा कि टाइटल क्या है, लॉस्ट स्प्रिंग। लॉस्ट स्प्रिंग, लॉस्ट स्प्रिंग का मतलब क्या है, जो क्या कहते हैं, कुछ किसी का खो जाना, गवा देना। और क्या स्प्रिंग, स्प्रिंग का यहाँ पर मतलब है बचपन, चाइल्डहुड। स्प्रिंग का मतलब क्या है, इधर चाइल्डहुड से है, मतलब छोटे बच्चों का जो वो बचपन जिसमें वो खूब एंजॉय करते हैं। ऐसा कहा भी जाता है कि जो चाइल्डहुड होता है, चाइल्डहुड पीरियड जो है वो सबसे गोल्डन पीरियड होता है, क्योंकि ये एक ऐसा टाइम होता है जो फिर दोबारा नहीं आता। इसमें कोई जितना एंजॉय करना चाहे कर ले, खूब वो लाइफ को एक्सपीरियंस भी करता है। नो डाउट हम यंग टाइम में भी बहुत एक्सपीरियंस करते हैं, बट अपना चाइल्डहुड के दौरान जो हम एक्सपीरियंसेस करते हैं ना, वो हमारी ना सेल्फिशनेस, जेलस, अच्छा बुरा, गलत सही, इन सब से ना हटकर होता है। इन सब चीज़ों को हमें रियलाइजेशन होता ही नहीं है, हमें पता ही नहीं होता कि हेल भी कुछ है, हेवन है, स्वर्ग, नर्क ऐसा कुछ होता है, गुड एविल कुछ होता है, नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं पता। हम जस्ट चाइल्डहुड में सिर्फ क्या मेन एम होता है, वो सिर्फ यही एम होता है कि एन्जॉय 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 एंड एन्जॉय। तो चाइल्डहुड को यहाँ पर कंपैरिजन किया गया स्प्रिंग से, जैसे कि फोर सीजन्स होते हैं, ऑटम, स्प्रिंग, समर और विंटर। तो सबसे जो ब्यूटिफाई सीजन होता है ना, ब्यूटीफुल सीजन होता है, वो स्प्रिंग को ही कहा जाता है। नेचर सबसे ज़्यादा एक्सट्रीम ब्यूटी में अपने आप को प्रेजेंट करती है, बहुत प्लेजेंट सा वेदर होता है। इन द सेम वे चाइल्डहुड भी बहुत प्लेजेंट पीरियड होता है, बहुत गोल्डन पीरियड होता है, ठीक है। तो एडिस्टन यही कहती है कि एक तरह से ना बच्चों का जो चाइल्ड लेबर को यहाँ जो हाईलाइट किया गया है, उस चाइल्ड लेबर के कारण बच्चों का जो बचपन था, स्प्रिंग जो था, वो लॉस्ट हो गया है, चला गया है, स्टोलन हो गया है, चोरी हो गया है, ठीक है। आई होप आप सब स्टूडेंट्स को क्लियर हो रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। आज जो अब हम जो करेंगे स्टार्ट, इसी चैप्टर की लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे। और मैंने आपको बताया भी है बेटा, दोबारा से देख लीजिए, ये जो हम चैप्टर करेंगे इसके अंदर टू पार्ट्स होंगे, ठीक है। दोनों ही पार्ट्स में किसी ना किसी बच्चे की लाइफ के बारे में यहाँ पर हाईलाइट किया जाएगा। जो फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर हाईलाइट किया जाएगा साहिब के बारे में, ठीक है, और जो सेकंड पार्ट होएगा उसके अंदर हाईलाइट किया जाएगा मुकेश के बारे में, क्लियर। फिर एक चीज़ और बता देती हूँ, जो साहिब है वो रैग पिकर है, रैग पिकिंग करता है, वो रद्दी या जो कूड़ा करकट होता है उसको उठाया करता है, ठीक है। साहिब जो है रैग पिकर है, साहिब रैग पिकिंग का काम करता है, रैग पिकिंग करें अब स्टार्ट हम। और एक चीज और, इस साहेब का जो कंप्लीट नेम है वो क्या है, साहेबे आलम। यस, अब इसका फर्स्ट जैसे स्टार्टिंग की है ऑथर ने, सबसे पहली चीज यहां पर जो टाइटल यहां पर हो रहा है, इस पार्ट का जो स्टार्टिंग हो रही है वो किससे हो रही है, समटाइम्स कभी कभार, आई फाइंड, आई किसके लिए यूज़ किया है यहाँ पर, साहिब के लिए। आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज। मैंने पहले ही बताया कि साहिब जो है रैग पिकिंग का काम करता है, मतलब कूड़ा करकट उठाता है कूड़े में से, गार्बेज का मतलब होता है कूड़ा, कूड़े में से। कई बार मुझे, कभी कभार मुझे पैसे भी मिलते थे, रुपी भी मिलते थे, ठीक है। करें स्टार्ट अप। वाई डू यू डू दिस, आई आस्क साहेब। ध्यान से समझिएगा, जब मैंने पहले आई यूज़ किया, आई आया, तो ये आई यूज़ हुआ था साहेब के लिए, ठीक है। अब जो आगे मैं पढ़ रही हूँ ये आई आया है, एक्चुअल में यहाँ पे हम कन्वर्जेशन पढ़ेंगे, वार्तालाप पढ़ेंगे, बातचीत पढ़ेंगे, ऑथर की, एनिस जंग की, किसके साथ, साहेब के साथ। हम जो ये कहानी पढ़ रहे हैं ना, तो एक तरह से एनिस जंग जो है अपनी एक्सपीरियंस बता रही है, उसके साथ सच में ऐसा हुआ। वो किसी बच्चे से बात करती है जो साहेब, मतलब जो रैग पिकिंग का काम करता है, कूड़ा उठाता है, वो खुद एक तरह से इसके अंदर वो पार्ट रही है इस स्टोरी के अंदर, एनिस जंग, ठीक है।
तो स्टार्टिंग कैसे हुई, वाई डू यू डू दिस, तुम ऐसा क्यों करते हो। आई एनिस जंग कहती है, आस्क साहेब, मैंने साहेब से पूछा, हुम आई एनकाउंटर, जिसको, जिससे, हुम का मतलब क्या है, जिससे आई एनकाउंटर एवरी मॉर्निंग, जिससे मैं मिलती हूँ हर सुबह, और वो क्या करता है, स्क्राउंजिंग फॉर गोल्ड। स्क्राउंजिंग का मतलब होता है ढूंढना, स्क्राउंजिंग का मतलब होता है छानबीन करना, ढूंढना। मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, छानबीन करना या ढूंढना। स्क्राउंजिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डम्प्स, जो जब भी मैं मिलती थी हर सुबह तो वो क्या करता था, गोल्ड का मतलब यहाँ पर ये सोना नहीं कहूँगी, गोल्ड के लिए मतलब प्रीशियस चीज, उनके लिए तो कोई बहु मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो प्रीशियस थी, कीमती चीज़ भी एक गोल्ड की तरह थी, चाहे वो 1 रुपी हो चाहे वो 10 रुपी ही क्यों ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर गोल्ड किस लिए यूज़ किया है, प्रीशियस चीज़ों के लिए, बहुमूल्य वस्तुओं के लिए, ठीक है। इन द गार्बेज डम्प्स, गार्बेज डम्प्स का मतलब होता है कूड़े के ढेर। ऑफ माई नेबरहुड, अपने पड़ोस में, तो मतलब एनिस जंग कहती है कि मैं जब भी उससे मिली हूँ हर सुबह तो मैं यही पाती हूँ कि वो कूड़े के ढेर में से कुछ ना कुछ ढूंढने की कोशिश करता है, और वो होता कहाँ है, मैं उसे कब देखती हूँ, मेरे पड़ोस के साथ, मतलब साथ जो कूड़ा पड़ा है उसमें वो देख रहा होता है, साहेब छानबीन कर रहा होता है। साहेब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग अगो, साहेब अपना घर छोड़कर आया था काफ़ी टाइम पहले। एक्चुअल में होता क्या है बेटा, साहेब जो है ना बेसिकली उनका जो नेटिव प्लेस है वो बांग्लादेश और ढाका है, ढाका क्या है, बांग्लादेश की कैपिटल है, वहाँ से वो लोग आए थे क्योंकि वहाँ उनका लाइवलीहुड बढ़िया नहीं था या उनको खाने पीने का नहीं मिल पाता था, वो उनको नॉर्मल दाल रोटी भी इजीली नहीं मिलती थी, इस वजह से वो वहाँ वो जगह छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो गए थे। कहाँ शिफ्ट हुए थे वो भी मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। सेट अमिड्स द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, साहेब का घर कहाँ था, अमिड्स, अमिड्स का मतलब होता है बीचों बीच, किसके बीचों बीच, ढाका के हरे खेतों के बीच में, हरियाली वाले खेतों के बीचों बीच, अमिड्स का मतलब होता है बीचों बीच। हिज होम इज नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमरी, पर अब उसका घर जो है उसकी अब यादों में काफी नहीं रहा है, काफी दूर दूर तक चला गया है एक तरह से, क्योंकि वो छोड़कर आ गया है, और वो घर कब छोड़कर आया था, 1971 में वो ढाका जो है छोड़ आए थे, और कहाँ आकर सेटल हो गए थे, सेटल इन सीमापुरी, ठीक है। सीमापुरी क्या कहाँ है, दिल्ली के बाहरी इलाकों वाली जगह को यहाँ पे सीमापुरी में कहा गया है, सीमापुरी, यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ, देर वर मैनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स, वहाँ पर ढाका में बहुत तूफान आए, स्टॉर्म्स का मतलब होता है तूफान, बहुत तूफान आए जिससे उनके सारे खेत और घर जो है सब बह गए, ढह गए। हिज मदर टेल्स हिम, ये सब कुछ कि उसकी माँ ने उस बच्चे को बताया था, साहेब को बताया था, दैट्स वाई, तभी तो दे लेफ्ट, वे छोड़ाए, एंड लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स, तभी तो वो वहाँ से छोड़ आए और गोल्ड की तलाश में, प्रीशियस चीज़ों की तलाश में वो बड़े शहरों में आकर बस गए, वहां रहने लगे। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, ही मटर्स, ही किसके लिए, साहेब, साहेब बोलता है, मटर्स का मतलब कहता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है करने के लिए, लुकिंग अवे, और किसकी तरफ देखकर कह रहा है, एनिस जंग की तरफ, लुकिंग किसको देख रहा है, एनिस जंग की तरफ देखते हुए कह रहा है कि मेरे पास कोई और काम है ही नहीं करने के लिए, एनिस जंग को देखते हुए कह रहा है, ठीक है। Go to school, I say glibly, realizing immediately how hollow the advice must sound. But Anis Jung ने ना बड़े ही confidently, glibly का मतलब होता है बड़े ही विश्वास के साथ, आत्मविश्वास के साथ, जल्दी जल्दी बिना सोचे समझे जो है ना, glibly का मतलब होता है बड़े ही confidently उसने कह दिया, फिर तुमको स्कूल जाना चाहिए, जब तुम खुद ही कह रहे हो कि मेरे पास कुछ काम नहीं है करने के लिए, तो तुम स्कूल जाओ,
वो फटाफट ये बात बोलती है एनीचंग, पर इमिडिएटली उसको रियलाइज भी होता है कि कितनी बेकार सलाह मैंने उस बच्चे को दे दी है। ठीक है, अब यहाँ पर साहेब बोलता है, देर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में कोई भी स्कूल नहीं है, वेन दे बिल्ड वन आई विल गो, जब कभी वो बना देंगे तो मैं स्कूल चला जाऊंगा, इफ आई स्टार्ट अ स्कूल। अब आई एनिस जंग कहती है, जंग कहती है कि अगर मैं स्कूल स्टार्ट करूं, लेखक कहती है अगर मैं स्कूल स्टार्ट करूं तो क्या होगा, विल यू कम, तुम आओगे। आई आस्क, मैंने पूछा उससे, एनिस जंग कह रही है मैंने पूछा उससे, हाफ जॉकिंगली जॉकिंग जो हंसते हुए पूछा, यस ही सेज, और साहिब ने कहा हाँ जी हाँ जरूर, और कैसे, स्माइलिंग ब्रॉडली, जोर जोर से हंसते हुए भी उसने कहा। अ फ्यू डेज लेटर, लेटर का मतलब होता है कुछ दिनों के बाद, लेटर का मतलब होता है बाद, आई सी हिम, मैंने देखा, एनिस कह रही है यहाँ पर, आई जो है ध्यान से पढ़िएगा, एनिस बोल रही है क्योंकि मैं बार बार कह रही हूँ, इन दोनों के बीच में कॉन्वर्जेशन चल रही है, एनिस के बीच में और साहिब के बीच में, आई सी हिम रनिंग अप टू मी, मैंने देखा कि साहेब मेरी तरफ भागते हुए आ रहा है, इज योर स्कूल रेडी, और साहेब क्या पूछता है कि क्या तुम्हारा स्कूल तैयार हो गया, क्योंकि लास्ट टाइम एनिस ने यही कहा था ना कि अगर मेरा स्कूल स्टार्ट हो जाएगा तो तुम आओगे, तो वो पूछता है उससे। तो अब एनिस क्या कहती है, इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल, काफ़ी टाइम लग जाएगा स्कूल बनने में, आई से, मैंने कहा, एम्बेरस्ड, एम्बेरस्ड का मतलब होता है मतलब थोड़ा सा शर्माते हुए, थोड़ा सा उसको फील भी हो रहा था कि मैंने उससे प्रॉमिस किया जो अभी तक प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि वो तो उसने हंसते हुए बोल दिया था, एम्बेरस्ड एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस, भी ऐसा प्रॉमिस उसने कर दिया था दैट वॉज नॉट मेंट, जो कभी पूरा नहीं हो सकता, जिसका कोई अर्थ भी नहीं है, क्योंकि एनिस जंग का मेन क्या है, वो तो लेखक है, ऑथर है, उसने तो हंसी मजाक में कह दिया था कि अगर मेरा स्कूल बन जाए, तो एक्चुअल में वो प्रॉमिस क्या कहते हैं, वर्थफुल नहीं रहा, बट प्रोमिस लाइक माइंड अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड, पर ऐसे वायदे जैसे कि लाइक माइंड जो मैंने किए, एनिस जंग बोल रही है, ऐसे वायदे जो मैंने किए अबाउंड, अबाउंड का मतलब होता है भरे पड़े हैं, अबाउंड का मतलब क्या होता है, भरे पड़े हैं, क्या, इन एवरी कॉर्नर, हर कॉर्नर में, किसके, ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड, कि हिज किसके लिए यूज हुआ है, साहिब के लिए, कि साहिब के डार्क वर्ल्ड में, ब्लीक का मतलब होता है अंधेरा, डार्क, कहते हैं कि ऐसे वायदे तो ना साहिब की अंधेरे वाली जिंदगी में भरे पड़े, ना जाने कितने लोग उसकी जिंदगी में आए और ना जाने कितने लोगों ने ऐसे वायदे उससे कर दिए, पर कोई भी प्रोमिसेस जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम आई आस्क हिज नेम, कई महीने तक उसको जानने के बाद मैंने उससे उसका नाम पूछा, साहेब ए आलम ही अनाउंसेस, उसने कहा मेरा नाम है साहेब ए आलम, ही डज नॉट नो वट इट मीन्स, पर वो बच्चा नहीं जानता था इसका नाम मतलब भी क्या है, इफ़ ही न्यू इट्स मीनिंग, अगर वो इसका मतलब जानता तो मतलब क्या था, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, मतलब साहेब ए आलम का मतलब क्या है, ब्रह्मांड का देवता, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, बट वो एक्चुअल में क्या था, सबसे ज़्यादा गरीब, मतलब जो उसका नाम था वो उसकी इमेज, पर्सनैलिटी, आइडेंटिटी से कहीं भी मैच नहीं कर रहा था, ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट, कहते अगर बच्चा ये जानेगा कि उसका नाम का मतलब ये है कि वो ब्रह्मांड का देवता है, तो उसको बहुत टाइम, हार्ड टाइम, बड़ा मुश्किल हो जाएगा इस ना इसके अर्थ को पर विश्वास करना भी, बिलीव का मतलब होता है विश्वास करना, कि उसे यकीन ही नहीं होगा कि मेरे नाम का मतलब तो ये है और मेरी उसकी जिंदगी कैसी है। अनअवेयर ऑफ वट हिज नेम रिप्रजेंट्स ही रोम्स द स्ट्रीट विद हिज फ्रेंड्स एंड एन आर्मी ऑफ बेयर फुट बॉयज हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स एंड डिसअपियर एट नून। अनअवेयर का मतलब होता है बिना कुछ जाने कि उसके नाम का मतलब क्या है। ही रोम्स, रोम्स का मतलब होता है आवारा, घूमना फिरना, बेकार घूमना, रोम का मतलब होता है बेकार में घूमना, वो घूमता है कहाँ,
द स्ट्रीट्स गलियों में अपने दोस्तों के साथ एन आर्मी ऑफ बेयर फुट बॉयज, कैसी सेना होती है? ऐसे लड़कों की सेना होती है जिन्होंने पैरों में कुछ भी नहीं डाल रखा। बेयर फुट का मतलब होता है वो नंगे पैर होते हैं। हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स, और वो बच्चे ऐसे लगते हैं कि वो सुबह आने वाले पक्षियों की तरह है जो सिर्फ सुबह ही दिखाई देते हैं और दोपहर के वक्त वो डिसअपियर हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। Over the months, I have come to recognize each of them. कहते कई महीनों के बाद मैंने हर एक बच्चे को मैं पहचानने लग गई थी, समझने लग गई थी। और एनिस जंग कह रही है यहाँ पर, Why are not you wearing chappals? यहाँ पर एनिस जंग उन बच्चों से पूछती है, ठीक है। यहाँ पर जो यू यूज़ किया है उन सारे बच्चों से यूज़ किया गया है, उसके फ्रेंड्स के लिए यूज़ किया गया, साहिब्स फ्रेंड, साहिब और उसके दोस्त। ठीक है, उसके दोस्तों के लिए, तुम चप्पल क्यों नहीं डालते, मैंने उनसे पूछा। माय मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द शेल्फ, ही आंसर सिंपली, उनमें से एक बच्चे ने कहा कि मेरी माँ जो है शेल्फ से मुझे उतार के नहीं देती चप्पल। इवन इफ शी डिड, ही अगर वो उतार भी देती है, ही विल थ्रो देम ऑफ, एड्स एनदर। ठीक है, अगर वो उतार भी देती है तो एक दूसरा बच्चा कहता है कि अगर इसकी माँ उतार भी देती है शेल्फ से तो वो बच्चा क्या करता है, थ्रो देम ऑफ, फेंक देता है। और जिस बच्चे ने ये वाली लाइन बोली थी उसने क्या कर रखा था, हु इज़ वियरिंग शूज दैट डू नॉट मैच। और जिस बच्चे ने ये बात बोली कि उसकी माँ उसके जूते उतार तो देती थी शेल्फ से पर वो फेंक देता था, उस बच्चे ने क्या डाल रखे थे, एक पैर में दूसरा जूता डाल रखा था, दूसरे में कोई और, तो जो मैच नहीं कर रहे थे, दैट डू नॉट मैच। When I comment on it, अब एनिस जंग कहती है कि जब मैंने इस पर कमेंट किया, मैंने कुछ यहाँ पर कटाक्ष या कुछ बोला, तो ही शफल्स हिज फीट, तो ये सब कुछ सुनकर वो बच्चे ने ना अपने पैर आगे पीछे करने लगा, शफल का मतलब होता है आगे पीछे करना, छिपाने लग गया वो। एंड सेज नथिंग, और कुछ भी नहीं कहा। आई वॉन्ट शूज, सेज अ थर्ड बॉय, अब तीसरा बच्चा कहता है, ध्यान से सुनना, भी कॉन्वर्जेशन अब किसकी हो रही है, एनिस जंग की कॉन्वर्जेशन हो रही है साहिब के दोस्तों के साथ। एनिस जंग ने पूछा तुम चप्पल क्यों नहीं डालते, एक बच्चे ने कहा कि मेरी माँ शेल्फ से उतारती नहीं है, फिर दूसरे बच्चे ने कहा कि शेल्फ से उसकी माँ उतार तो देती है पर ये लड़का क्या करता है, उन चप्पलों को फेंक देता है। और जब दूसरे बच्चे ने ये लाइन बोली तो उस बच्चे ने दोनों ही पैरों में अलग अलग रंग के जूते डाल रखे थे। ठीक है, फिर अब तीसरा बच्चा आता है, तीसरा बच्चा कहता है कि मैन आई वॉन्ट शूज, यहाँ पर दोबारा से देख लीजिए, आई वॉन्ट शूज, मुझे तो जूते चाहिए। तीसरे लड़के ने कहा, हु हैज नेवर owned a pair all his life, जिसने अपनी जिंदगी में कभी भी जूते नहीं डाले थे। Traveling across the country, I have seen children walking barefoot. अब यहाँ पर एनिस जंग कहती है कि मैं पूरी कंट्री घूमी हूँ, मैंने कई बच्चे देखे हैं जो नंगे पैर चलते हैं, चाहे वो शहरों में हो, चाहे वो गांवों की सड़कों में हो। It is not lack of money, but a tradition to stay barefoot. ये इस वजह से नहीं है कि नंगे पैर चलते, कि उनके पास पैसों की कमी है, बल्कि उनका कहीं ना कहीं ये रीति रिवाज है, ट्रेडिशन है कि नंगे पैर चलना, इज वन एक्सप्लेनेशन, ये ऐसा कहा गया है। आई वंडर, वंडर का मतलब होता है हैरान होना, वंडर का मतलब क्या होता है, हैरान होना। मैं हैरान होती हूं, एनिस जंग कह रही है यहां पर, इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन, कि अगर ये सिर्फ एक बहाना है ये बताने के लिए, एक्सप्लेन अवे परपेचुअल स्टेट ऑफ पावर्टी, कि ये क्या सिर्फ एक बहाना है अपनी पावर्टी को बताने के लिए, दिखाने के लिए। आई रिमेंबर, मुझे याद आता है, अब यहाँ पर एनिस जंग अपनी एक कुछ यादें ताज़ा कर रही है, वो कौन सी यादें हैं, एक उदीपी एक जगह का नाम है, उदीपी जो है एक जगह का नाम है, वहाँ पर एक आदमी की कहानी वो बताती है, आप सब स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। I remember a story of a man from Udipi once told me, मुझे याद है एक इंसान की वो कहानी जो यूदीपी से था, जिसने मुझे कहा था, क्या उस इंसान ने उसको लेखक को बताया था, as a young boy, जब वो छोटा था, he would go to school past an old temple, तो वो स्कूल जाया करता था जो कि क्या कहते हैं पुराने मंदिर के पीछे था, Where his father was a priest, और उस मंदिर में उसके जो पापा क्या थे, पुजारी थे, priest, priest का मतलब होता है पंडित, पुजारी।
ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज. वो थोड़ी देर के लिए मंदिर में रुकता और जूतों के जोड़े के लिए प्रार्थना करता. 30 years later, उसी बच्चे की बात बता रहे हैं. कहते वो बच्चा 30 सालों के बाद आई विजिटेड हिज टाउन. कहते कि मतलब एक कहा एक इंसिडेंट हुआ. इंसिडेंट क्या था कि एक इंसान जो है जो यूडीपी से था वो एनिस जंग को एक कहानी बताता है कि जब मैं छोटा था तो ऐसे ऐसे करके मैं जब स्कूल जाता था तो भगवान से मैं प्रे करता था कि मुझे जो शूज़ मिल जाए. अब इस बात को 30 साल हो चुके हैं. 30 साल बाद एनिस जंग उस यूडीपी में जाती है, उस मंदिर में जाती है. अब ध्यान से सुनिएगा ये वाली लाइन्स भी. 30 years लेटर आई विजिटेड His town. I कौन है? I किसके लिए यूज़ किया गया? जंग के लिए यूज़ किया गया, एनिस जंग के लिए. 30 सालों के बाद मैं उसके शहर गांव में गई, मंदिर गई, which was now drowned in an air of desolation. जो जहाँ जो कि बिल्कुल ही वीरान हो चुका था, खाली हो चुका था. इन द बैकयार्ड, पर पीछे की तरफ, मंदिर के पीछे जो जगह होगी वहाँ पर, वेयर लिव्ड द न्यू प्रिस्ट, वहाँ पर नया पुजारी रहता था. देर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स, और वहाँ पर रेड और वाइट प्लास्टिक चेयर्स भी थी. अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म. तो एक बच्चा था जो ड्रेस होता, मतलब पहने हुए थे, ड्रेस कब पहनी हुई थी उसने, ग्रे कलर की, वियरिंग सॉक्स भी, शूज भी, एंड अराइव्ड पेंटिंग, और हाफते हुए वो आता है. पेंटिंग का मतलब होता है हाफना. एंड थ्रू ही स्कूल बैग ऑन अ फोल्डिंग बेड, और अपना बैग फेंक देता है फोल्डिंग बैग. मतलब यहाँ पर चेंज दिखाया गया है कि 30 साल पहले तक एक बच्चा जो है भगवान से प्रार्थना करता था कि उसे जूतों का जोड़ा मिल जाए, पुजारी का बच्चा ऐसे था, क्योंकि हमने शुरू पढ़ा भी है कि वो कहता है कि मेरे पापा पुजारी थे. और 30 साल बाद उसी पुजारी का बच्चा स्कूल भी जाता है, सॉक्स, शूज, बैग, सब कुछ है उसके पास. तो मेजर चेंज दिखाया गया है यहाँ पर. लुकिंग एट द बॉय, लड़के की तरफ देखकर, आई रिमेंबर द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड टू द गॉडेस व्हेन ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज. कहते कि जब मैंने उस बच्चे की तरफ देखा तो मुझे वो प्रार्थना भी याद आ गई जब एक बच्चे ने की थी एक गॉडेस से, एक देवी से, कि उसे आखिरकार उसे जूतों का जोड़ा मिल गया. एंड लेट मी नेवर लूज दैम, और वो उस देवी से प्रार्थना करता है कि ये मेरे जूतों का जोड़ा कभी भी लूज, मतलब कभी भी गुम ना हो. द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, और देवी ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार किया. यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रिस्ट नाउ वोर शूज. आजकल के नौजवान बच्चे पुजारी के उस बच्चे की तरह जूते भी पहनते हैं. बट मैनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स, पर कई बच्चे ऐसे भी हैं जो रैग पिकर्स की तरह, जो कूड़ा उठाने वाले हैं, रद्दी उठाने वाले हैं, कूड़ा करकट उठाने वाले हैं, इन माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में, रिमेन शूजलेस. मतलब एक तरह से वास्ट कॉन्ट्रास्ट दिखाया गया है कि एक तरफ तो पुजारी का बच्चा आज जो एक टाइम तक जिसको जूते नहीं मिलते थे, आज इतना चेंज आ गया कि वो शूज़ भी, स्कूल भी जाने लगा और उसके पास सारी फैसिलिटीज़ है. वही आज भी एनिस जंग के पड़ोस में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो रैग पिकिंग का काम करते हैं और अभी भी बेयर फुटेड हैं. ओके, My acquaintance with the barefoot rag pickers leads me to Simhapuri. मेरी जो acquaintance होता है, जान पहचान. Acquaintance का मतलब क्या होता है? मेरी जो जान पहचान थी उन नंगे पैर चलने वाले rag pickers के साथ, वो मुझे कहाँ ले गई? Leads me to Simhapuri. मुझे कहाँ ले गई? Simhapuri की तरफ ले गई. Acquaintance का मतलब होता है जान पहचान, उस तरफ ले गई. अ प्लेस ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली, और सीमापुरी कौन सी जगह है? जो दिल्ली के बाहरी इलाकों में है, बाहरी एरियाज में है. पेरिफेरी का मतलब होता है आउटर एरिया. गेट माइल्स अवे फ्रॉम इट मेटाफोरिकली. हालांकि वो जो सीमापुरी है दिल्ली से काफ़ी दूर है. सिम्बॉलिक, मेटाफोरिकली होता है, सिम्बॉलिकली अगर मैं तुलना करूँ तो काफ़ी दूर है. दोज हु लिव हेयर आर स्क्वाटर्स हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971. यहाँ पर ये जो लाइन बोली गई है साहिब के लिए कही गई है, साहिब के परिवार के लिए की गई है, कि उस सीमापुरी वाले इलाके में दोज हु लिव,
जो वो वहां पे रहते हैं, लिव हेयर आर स्क्वाटर्स. स्क्वाटर्स का मतलब होता है अपनी पिछली जगह छोड़कर आना. वो कहाँ से पिछली जगह है? वो केम फ्रॉम बांग्लादेश. जो बांग्लादेश से आए हैं कब? 1971 में. तो मैंने ऊपर ही मेंशन भी किया था कि सीमापुरी में वो कब आकर बस गए हैं, 1971 में. उनके खेत और घर सब कुछ तूफान के कारण सब कुछ तहस नहस हो गया था, तब वो आए थे. साहिब्स फैमिली इज अमंग देम. साहिब की फैमिली भी उधर ही थी. एक्चुअल में सीमापुरी में काफ़ी ज़्यादा लोग रहते थे, लगभग 10,000 के करीब लोग थे, और उसमें से साहिब का परिवार भी था. साहिब वॉज देन अ वाइल्डरनेस. साहिब जो है वो, सॉरी सॉरी फॉर इट, सीमापुरी वॉज देन अ वाइल्डरनेस. सीमापुरी जो था एक तरह से वीरान जगह थी. इट स्टिल इज, पर वो अभी भी है, बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी. अब वो खाली जगह नहीं रही है, वहाँ पे बहुत से लोग रहते हैं. इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, मिट्टी के उन जगह पर घरों में, विद रूफ्स ऑफ टिन एंड तारापोलिन, जिनकी छतें टिन और तारापोलिन की है, डिवॉइड ऑफ सीवेज, ड्रेनेज और रनिंग वाटर. जहाँ पर कमी है, डिवॉइड का मतलब होता है कमी है, जहाँ पे प्रॉपर सीवेज की कमी है, पानी की निकासी की कमी है, डिवॉइड का मतलब होता है कमी. ठीक है, इन दोनों चीज़ों की कमी है. एंड लिव 10,000 रैग पिकर्स. 10,000 के करीब रैग पिकर्स रहते हैं. दे हैव लिव्ड हेयर फॉर मोर देन 30 ईयर्स. 30 साल से भी ज़्यादा वो वहाँ से वहाँ पर रह रहे हैं. विदाउट एन आइडेंटिटी, बिना किसी जान पहचान के. विदाउट परमिट्स, बिना किसी परमिशन के. बट विद राशन कार्ड्स, पर उनके पास राशन कार्ड तो है. दैट गेट देयर नेम्स ऑन वाटर्स लिस्ट. इट मीन्स उनका वाटर लिस्ट में नाम भी है. एंड इनेबल देम टू बाय ग्रेन, और जिसकी वजह से वो अनाज भी ले सकते हैं राशन से, मतलब राशन वाली जगह से. फूड इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन आइडेंटिटी. यहाँ पर फिर एक और बात हाईलाइट की गई है. इट डजेंट मैटर कि उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है. इट डजेंट मैटर दे डोंट गेट एनी परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑल्सो. ठीक है, बट स्टिल दे हैव अ राशन कार्ड, बट स्टिल दे कैन गेट अ फूड. तो मेन क्या है कि मेरे लिए ये मायने नहीं रखता कि मेरी जान पहचान है कि नहीं, मैंने परमिशन ली कि नहीं. मेरे लिए तो ये मायने था कि मुझे खाना मिल जाए, क्योंकि मेरे लिए तो जीने के लिए खाना ज़रूरी है, ना कि मेरी पहचान, अकॉर्डिंग टू साहेब या उन रैग पिकर्स के अकॉर्डिंग. ठीक है, मतलब ये जनरली व्यू रहता है. अगर हम किसी स्लम एरिया में जाएं, वहाँ हम देखेंगे उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि उनकी जान पहचान, उनकी पहचान है कि नहीं, कोई लोग उन्हें जानता है कि नहीं. उन्हें सिर्फ खाने की टेंशन होती है, सुबह के बाद दोपहर की, दोपहर के बाद रात की, कि उन्हें 2 वक्त का खाना मिल जाए, रादर देन कि कोई उनको पहचान पा रहा है या समझ पा रहा है कि नहीं. दे जस्ट वॉन्ट फूड फॉर सर्वाइवल, नॉट आइडेंटिटी. ओके, इफ एट द एंड ऑफ द डे, और अगर दिन के आखिर में वी कैन फीड आर फैमिलीज एंड गो टू बेड विदाउट एन एकेइंग स्टमक. अब ये देखना किसकी लाइन्स है. अगर दिन के आखिर में हम अपने परिवार को खाना दे पाते हैं और सो पाते हैं बिना पेट में दर्द के, वी वुड रादर लिव हेयर. तो हमें अच्छा लगेगा कि हम इन्हीं सीमापुरी वाले इलाकों में ही रहें, ऐसी जगह पर ही रहें जहाँ पे मिट्टी के घर हैं, जहाँ पे ड्रेनेज की कोई व्यवस्था नहीं है, देन इन द फील्ड्स, बजाय इसके कि हम खेतों में रहें जो हमें, दैट गेव अस नो ग्रेन, जो हमें कोई अनाज या खाना नहीं देती. यहाँ पर नो डाउट सीमापुरी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी. ड्रेनेज सिस्टम अच्छा नहीं था, पानी की निकासी अच्छी नहीं थी, थोड़ी सी ही जगह में इतने लोग रह रहे थे, इतना स्लम एरिया था. ठीक है, जैसे कि आप इस दौरान पढ़ भी रहे होंगे, मुझे एक्चुअल में प्लेस का ध्यान नहीं आ रहा, कोरोना वायरस जैसे फैला हुआ है, इतना पैनडेमिक बन चुका है. तो महाराष्ट्र में एक स्पेशली एक स्लम एरिया है, आई डोंट रिकोगनाइज रिमेंबर दैट वन नेम, मैं आपको बता दूंगी नेक्स्ट लेक्चर में. तो वहाँ पर इतने लोग रहते, इतना स्लम एरिया है वहाँ पर, तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ का कि हम इतनी सी जगह में, इतने भीड़ वाले इलाके में हम इतने लोग रह रहे हैं. उनके लिए मेन सिर्फ खाना ही है, कि उनको 2 वक्त का ढंग से खाना मिल जाए. तो ये सारी लाइन्स किसने कही? से अ ग्रुप ऑफ वुमेन इन टेटर्ड साड़ीज. ये सारी बातें उन औरतों के ग्रुप ने कही जिनकी साड़ी क्या थी, फटी हुई थी. टेटर्ड का मतलब खराब हो चुकी थी. टेटर्ड का मतलब खराब होना, खराब, फटना.
When I asked them why they left their beautiful land of green fields and rivers, और ये बात उन्होंने तब कही जब एनिस जंग ने उन औरतों से पूछा कि तुम क्यों अपने खेत और घर और नदियाँ क्यों उन नेचुरल ब्यूटी को छोड़कर आए हो. वेयर एवर दे फाइंड फूड दे पिच देयर टेंट्स दैट बिकम ट्रांसिट होम्स. जहाँ कहीं भी उन्हें खाना मिलता है वे वहीं पर ही वे अपने तंबू या टेंट गड़ा लेते हैं और उनके घर क्या बन जाते हैं, ट्रांसिट होम. चिल्ड्रन ग्रो अप इन दैम, बच्चे वहीं पर ही बढ़ते हैं, बड़े होते हैं एंड बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल्स, और उन्हीं के साथ ही पार्टनर्स बन जाते हैं अपने माँ बाप के साथ ही. चिल्ड्रन एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, और सीमापुरी पर रहना मतलब रैग पिकिंग करना. थ्रू द ईयर्स इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रपोर्शंस ऑफ अ फाइन आर्ट. इतने साल बीत जाने के बाद उन्हें एक कला ही आ जाती है रैग पिकिंग करने की भी. गार्बेज टू दैम इज गोल्ड, और कूड़ा उनके लिए क्या होता है, एक तरह से गोल्ड होता है, क्योंकि उसमें से भी वो कुछ ना कुछ ढूंढते हैं, खंगालते हैं, छानबीन करते हैं. एंड इट इज देयर डेली ब्रेड, वे उनका रोज की रोजी रोटी होती है. अ रूफ ओवर देयर हेड्स, एक तरह से छत होती है, आश्रय होता है, साया होता है उनके सिर पर. इवन इफ इट इज अ लीकिंग रूफ, नो डाउट कि वो छत ऐसी है जो लीक कर रही है, जिसमें छेद है, इतनी बढ़िया नहीं है. बट फॉर अ चाइल्ड इट इज इवन मोर, पर बच्चों के लिए तो वो लीकिंग छत भी जो है बहुत एंजॉयमेंट वाली है कि ऊपर से पानी बरस रहा है या छेद है, तो वो उसमें इतने खुश होते हैं. ठीक है, आई होप आप सब स्टूडेंट्स को यहाँ पर समझ में आ रहा होगा. बड़ी ही सिम्बोलिकली लेसन भी लिखा गया है एनिस जंग ने यहाँ पर. बस थोड़ा सा रह गया, इसे कंप्लीट कर लेते हैं इस पार्ट को हम फटाफट. आई समटाइम्स फाइंड अ रुपी, यहाँ पे साहब कहता है कि कई बार मुझे रुपी मिलता है, इवन अ 10 रुपी नोट, कई बार 10 रुपये मिलते. साहिब सेज हिज आईज लाइटिंग अप, कि मेरी आँखें जो है ना जगमगा जाती थी ये सब देख कर. वेन यू कैन फाइंड अ सिल्वर कॉइन इन अ हीप ऑफ गार्बेज यू डोंट स्टॉप स्कॉर्जिंग फॉर देयर इज होप फॉर फाइंडिंग मोर. और जब कभी भी मुझे सिल्वर कॉइन मिलता, मतलब एक सिक्का मिलता उस कूड़े के ढेर में, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाता था उसकी छानबीन करने से. यू डोंट स्टॉप स्क्राउंजिंग, उसकी छानबीन करने से, फॉर देर इज अ होप ऑफ फाइंडिंग मोर. और ये आशा बन जाती थी क्या पता मुझे कुछ और ही मिल जाए उसमें. इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन, ऐसा लगता था उन बच्चों के लिए गार्बेज हैज अ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स. ऐसा लगता था वो कूड़े का ढेर उन बच्चों के लिए कुछ और ही अर्थ लेकर चलता है जो उनके पेरेंट्स के लिए. पेरेंट्स तो उनके लिए तो ये था उनकी रोजी रोटी थी, पर बच्चों के लिए तो एक तरह से क्यूरियोसिटी थी, एक तरह से खेल था उन बच्चों के लिए कि उसमें से कुछ ढूंढना है. फॉर द चिल्ड्रन, फॉर द चिल्ड्रन इट इज रैप्ड इन वंडर, हैरानी मतलब वो क्या कहते हैं, क्यूरियोसिटी ही क्यूरियोसिटी थी. फॉर द एल्डर्स इट इज़ अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल, ये लाइन मैं पहले ही बोल चुकी हूँ आपको कि बच्चों के लिए तो वो एक जिज्ञासा थी कि उसमें से कुछ ढूंढना है, और बड़ों के लिए वो आजीविका का साधन था. वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहेब स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब वॉचिंग टू यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट प्लेइंग टेनिस एंड आई लाइक द गेम ही हम्स कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस आई गो इन साइड वेन नो वन इज अराउंड ही एडमिट्स द गेट कीपर लेट्स मी यूज द स्विंग. एक सर्दी की सुबह क्या हुआ, आई कौन है, एनिस जंग. एनिस जंग कहती है कि मैंने साहेब को देखा कि वो गेट एक दीवार के साथ खड़ा था जहाँ गेट लगा हुआ था. वो किसकी तरफ था, साथ वाले क्लब के साथ, पड़ोस में जो क्लब था जहाँ पे बच्चे या बड़े लोग खेलने आते थे. उसने क्या देखा, वॉचिंग टू यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट, कि दो यंग मैन जो है जिन्होंने वाइट कपड़े पहने हुए हैं वो टेनिस खेल रहे थे. आई लाइक द गेम, मुझे वो गेम बहुत अच्छी लगती थी. ही हम्स, साहेब बुदबुदाया बोला. कंटेंट टू वॉच इट, कंटेंट का मतलब होता है संतुष्ट, बड़ी ही संतुष्टि मिल रही थी, सेटिस्फाई हो रहा था वो देख कर. स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, जब वो दीवार के पीछे खड़ा था. आई गो इन साइड, और मैं अंदर गया. वेन नो वन इज अराउंड, जब कोई भी अंदर नहीं था. ही एडमिट्स, उस बच्चे ने कहा, साहिब ने कहा. द गेट कीपर लेट्स मी यूज द स्विंग, और उस गेट कीपर ने मुझे परमिशन दी कि मैं झूले ले सकता हूँ या मुझे झूले दिए. ठीक है,
साहिब टू इज वेयरिंग टेनिस शूज दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट्स एंड शॉर्ट्स. साहिब ने भी वो टेनिस शूज डाले जो बड़े ही अजीब लग रहे थे. क्यों? क्योंकि उसने ऊपर तो शर्ट और जो शॉर्ट्स डाल रखी थी बड़े ही डिसकलर्ड थे, मिसमैच उसके कपड़े थे, और नीचे उसने वाइट कलर के शूज डाल लिए थे. समवन गेव देम टू मी, साहिब ने कहा कि किसी ने उसको ये जूते पकड़ाए थे. ही सेज इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, वो अपना पॉइंट क्लियर कर रहा है कि मेरे पास वो जूते कहाँ से आए, किसी ने उसको पकड़ाए थे. द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज ऑफ सम रिच बॉय, और मतलब रियलिटी तो ये थी कि किसी अमीर लड़ बच्चे ने वो शूज को छोड़ दिया था, फेंक दिया था, रिजेक्ट कर दिया था, और जो रिजेक्ट होने के बाद वो जूते उस साहिब के पास आए. मतलब कितनी हार्ड रियलिटी यहाँ पर शो की गई है कि रैग पिकिंग या पुअर बच्चों को अगर कुछ मिला तो वो तभी मिला कि जब किसी ने उस चीज को छोड़ दिया, किसी का मन भर गया, तो जाकर उन रैग पिकिंग वालों को मिला. सॉरी, बस लास्ट रह गया हमारा, थोड़ा सा ही है. Who perhaps refused to wear them, जिस बच्चे ने उस पहनने से मना कर दिया था. क्यों? Because of a hole in one of them, क्योंकि एक में छेद था. And does not bother him, और इसकी वो परवाह नहीं करता साहेब भी, और वो बड़ा ही खुश होकर डालता है. For one who has walked barefoot, even shoes with a hole is a dream come true, ऐसा बच्चा जो हमेशा नंगे चलता और उसके लिए अगर छेद वाला भी जूता मिल जाए तो उसके लिए तो ऐसा है कि उसका मानो उसका एक सपना ही सच हो गया हो. But the game he is watching so intently is आउट ऑफ his reach, पर वो जो गेम वो जो देख रहा था इतने शौक से, इंटेंटली से, बड़े ही जिज्ञासा से, क्यूरियोसिटी से, वो उसकी पहुंच से पार था. आउट ऑफ his reach का मतलब क्या है? पहुंच से पार, मतलब वो कभी भी वो गेम खेल नहीं सकता, ना वो टेनिस वो ले सकता है. ठीक है, दिस मॉर्निंग, ये लास्ट पैसेज है. इस सुबह साहेब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, साहेब अपने रास्ते में था. किस तरफ जा रहा था? मिल्क बूथ की तरफ जा रहा था. इन हिज हैंड, और उसके हाथों में क्या था? स्टील कैनिस्टर, स्टील का कैनिस्टर था जिसमें दूध था. आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड, अब ये कौन कहता है? साहेब कहता है, अब मैं काम करता हूँ रैग पिकिंग के काम को छोड़कर एक टी स्टॉल में, जो कहाँ है? सड़क के इस सड़क के नीचे, मतलब पार है. ही सेज पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, वो इशारा करता हुआ भी बोलता है, आई एम पेड 800 rupees एंड ऑल माई मील्स, और मुझे इस काम के लिए कितने मिलते हैं? 800 rupees, और मुझे खाना भी वही मिलता है. डज ही लाइक द जॉब? ठीक है, अब एनिस जंग पूछती है, क्या तुम्हें ये जॉब अच्छी लगती है? I asked, मैंने पूछा. His face, I see, मैंने देखा उसका चेहरा. Has lost the carefree look, जैसे वो बेचिंत, टेंशन फ्री पहले साहिब रहता था, अपनी मस्ती में काम करता था, वो सब कुछ अब खत्म हो गया था साहिब के चेहरे से. The steel canister seems heavier than the plastic bag, ऐसा लगता था कि उस दूध का स्टील का कैनिस्टर ज़्यादा भारी है. हैवियर का मतलब भारी है, उस प्लास्टिक के बैग से. ही वुड कैरी सो लाइटली, जिसे वो बड़े ही आराम से उठा लिया करता था. ओवर हिज शोल्डर्स, अपने शोल्डर्स पर. द बैग वॉज हिज, और एक बात और भी थी कि एक तो वो प्लास्टिक का बैग बड़ा ही ईजिली वो उठाता था और स्टील कैनिस्टर की बजाय, और दूसरी बात ये भी यहाँ पे मेंशन की गई कि वो प्लास्टिक का बैग जो था वो उसका खुद का था, और जो कैनिस्टर जो था बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप, और कैनिस्टर उसका था जिसकी वो चाय की दुकान थी. इसका मतलब क्या हुआ? साहेब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर. तो यहाँ पे दो बातें पता लगी कि साहेब अब खुद का ही मालिक नहीं रहा, और साहेब में जो केयर फ्री लुक थी वो अब क्या हो गई है? लॉस्ट हो गई है. तो ये दो उसकी, जो उसने टी स्टॉल पर काम करना शुरू किया उससे ये दो ड्रॉबैक आई, दो कमियां आई. क्या? हैज लॉस्ट हिज केयर फ्री लुक, और क्या आया सेकेंडली? क्या आया उसका? ही इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, अब वो खुद का मालिक नहीं रहा है. आई होप आप सब स्टूडेंट्स को ये फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया होगा. इसको ध्यान से सुनिएगा, और इससे जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो तीन क्वेश्चन बन रहे हैं. अभी जस्ट आप चैप्टर रीड कर लीजिए और इन क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा, कोई डाउट हो तो क्वेरीज ले लीजिएगा. ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट.